कोई कहता जी तेन मसाणी खड़ाती तो मालको फलाना आता साढ़े घर मोहरे झाड़ू फेर दिता है सारिया खुशियां ही लै जाता है उन्होंने नजर जल्दी लगेगी तेन हमने सर्वनाश कर दू तेरा ज्यादातर तो टुटिया भजिया ही मिलनगी एक्सीडेंट हुई हैं चाबी तेरे अहमद कर दो नवी गड्डी ली है नाले फिर एक बच्चा भी सी छोटा जहाँ कहते मालको इन्हू भी आशीर्वाद नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है कि अगर तुम जीवन च कामयाब होना चाहते हो तो फिर 100% जिम्मेवारी अपने ते लवो कि जे मैं अज बीमार हाँ ना तो किसी का दोष नहीं है किसी ने मैंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं है खिलाया पिलाया का मतलब कोई कहता जी तेन मसाणी खिलाती तेन कुछ खिलाता तेन ये करता वो किसी ना नहीं ये मेरे ख्याल आते ही है बोलो समझ दो अपने क्योंकि जो तो ख्याल आते ही बंदे दे होंगे इदा दे कि लै बई किसी ने कुछ कर दिता तो मैं मर जाना किसी ने कुछ कर दिता मैं बीमार हो जाना वो कुछ करे ना करे वो बेचारा अपने घर बैठा आराम नाल है समझ दो नहीं पर तुम सोच लेंगे और कई बार हम देखे ना कई जीव वो मालको फलाना आता साढ़े घर मोहरे झाड़ू फेर दिता है सारिया खुशियां ही लै जाता है भैया खुशी बाहर रख दे क्यों तुम जो झाड़ू नाल ही कोई लै जाए खुशी को अपने अंदर रखो कि झाड़ू जिन्ने मर्जी फेरी जा भाई तेरा धन्यवाद साड़ी गली साफ करना तेरी मेहरबानी नहीं तो तुहानू करनी पैनी सी वो कोई जी पानी का छिट्टा दे गया तो भी चंगी गल है पानी का छिट्टा घर दे मोरे हो तो धूल मिट्टी नहीं उड़ती तुम्हें तो छिड़काना ही है तुम्हारी टेंशन बच गई समझ लो मुफ्त में कोई तुहाड़ा काम कर गया पर तुम की कर देंगे हो नहीं जो पानी का छिट्टा दे गया साड़ी शांति लै गया यदा मतलब शांति बाहर बैठी हुई सी जेनू बाह फड़ के लै गया वो छिट्टा दे गए कमाल की गल है शांति अंदर होंगी है खुशी अंदर होंगी है पर ऐसी कि चीज़ों का खुशी जोड़ देंगे हैं उन्हें इदा कर दिता और टेढ़ी आखना मैनू देख लिया है मैं बीमार हो गया वो कमाल की गल है भाई है टेढ़ी आखना देखना भी कोई बीमार हो जाता है वो टेढ़ी अख न नहीं तेरी सोच न तू बीमार होया इतने जिन्या मातावान बैठिया है खास करके ध्यान देना कि जिड़िया अपने बच्चे से काला टिक्का लादियाँ ना तुम देखोगे उन्होंने बच्चे जल्दी बीमार हो गए ये तो अजमा के देख लियो तुम ये लिख के लै लो साढ़े को नज़र जल्दी लगेगी जेडे टिक्का लादियाँ खास करके मत्थे इतने इतने कान के पिछे कारण की है बीमार हो बच्चे क्यों होंगे क्योंकि उन्होंने मन च बहम है कि भाई इनू नज़र लग जानी है वह सोच ही नज़र लुआ दिंदी है तो जरा गौर करना जेडे माता पिता कहते मैनू टिक्किया की लोड़ है मेरे बच्चे की रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है उन्होंने मालिक ने छड़िया तो बच्चे बीमार भी नहीं होंगे वो बीमार बच्चे भी ठीक हो जाते हैं तो जेडे कहे ना टिक्का ला लो नज़र ना लग जाए यह मतलब वह ध्यान ही बुरी नज़र वाल है और लगनी लगनी है उदा कोई बच्चे देखे ना देखे टिक्के जरूर दे हो गया टिक्का लाया जी समझ दे कि नहीं और सारे को पता होंदा है यह बुरी नज़र तो लगता इसलिए देखना ही सारे ने उधर नूं समझ दे कि नहीं जिदा घर बड़ा सोहना बनाने मुझे तौड़ी ला देंगे काले मूँह वाले का तो यह बुरी नज़र तो वह कमाल की गल है भाई जे तेन इन्ना ही डर से लोगों दुरी नज़र तो कोठी बनाई क्यों तू कखा की कुली च रह लाता और जे हूँ बनाई ली है तो तौड़िया लाने की लड़ है तौड़िया ने बचा है वह जी तौड़ी चंकी भली सी तू काली कर दी वो अपने आप ना काला होने तो बचा सकी और तेन बचा लेना जे तौड़ी च ताकत होंगी तो जो तू तौड़ी से काला रंग करदा घड़े से काला रंग करदा तो घड़े ने हट पिछे काला रंग कर रहा मैनू तेन हमने सर्वनाश कर दू तेरा फिर तो पता भी लगता घड़े की ताकत है वो अपने आप में काला होने तो बचा नहीं सकिया बेचारा तो तुम्हारे घर में बचा लेना बुरी नज़र तो काली नज़र तो कमाल की गल है घर अपने जीवन अपने बच्चों अपने मालिक के भरोसे छोड़ो कि मेरा मालिक मेरा राखा हर जगह मेरे नाल है और जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरा बुरा कभी हो ही नहीं सकता इनू कहते हैं असं करते विश्वास कर रहे अपने वो सच्चे मालिक से असं कहते ना अपना विश्वास जोड़ रहे हैं कभी देखे ना लोग लखां की गड्डी लै गए मगर जुत्ती लटका देंगे कमाल की गल है भाई टुटिया जुत्तियां लटकानियां तो गड्डिया लैन की लोड़ है और यह भी गल का ध्यान रखना आ जिहड़ियां गड्डियां मोहरे लिखिया होगा ना मगर बुरी नज़र वाले तेरा मूँह काला जां जुत्तियां लटकियां होणगियां ज़्यादातर तुहानू वो टुटिया भज्जियां मिलणगियां एक्सीडेंट होई हैं हुण जरा गौर करना नहीं तो एक सवाल का जवाब दिओ सानू जुत्तियां किहड़ियां गड्डियां मगर लटकाईआं जांदियां जां किहनां गड्डियां मगर लिखिया जांदा है बुरी नज़र वाले तेरा मूँह काला जिहड़े सवारियां वाले भूण जे हुंदे टैंपू जां ट्रक हुंदे उहनां पिछे हुण कोई पुछण वाला होवे कि भाई जे नज़र लानी तो ट्रक नूं लानी है टैंपू नूं लानी है वो मर्सडीज़ गड्डी जा रही है ऑडी गड्डी जा रही है और जिहड़ियां महंगीआं कारां जा रही उहदे पिछे जुत्ती लटकी नज़र लावांगे तो उहनूं लावांगे पर टैंपू नूं नज़र की लानी है जरा सोच के देखो बंदे और वो ठीक ठाक घूमदियां है क्योंकि उहनां अंदर कोई इदां दी है ही नहीं कि किसे नज़र लगेगी इसलिए जिन्ना ज़्यादा असीं भरमां च फस जांदे आ ना
ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ? ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਟਰੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਟਕਾ ਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਲਕੋ ਆਹ ਚਾਬੀ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲਏਗੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।